देखा कभी कभी कंट्रोल में है, हम चाहते हैं कि थर्ड वेव ना हो। आप लोगों ने जो अभी तक वैक्सीन नहीं लिया ले लेंगे ले लीजिए। भवानीपुर में वैक्सीन बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में 100% हुआ है, आपका ए वार्ड में भी 90% हो गया है। आप लोगों ने जो जो वैक्सीन लिया थोड़ा हाथ तुर के मेरे को बताएंगे, वैक्सीन लिया आप लोगों ने? थैंक यू सो मच 100%। जो नहीं लिया है वो भी आप ले लो, और जिसका अगर लंग्स का कोई प्रॉब्लम होता है, चेस्ट का कोई प्रॉब्लम है, आप लोग डॉक्टर का साथ कंसल्ट करके निमोनिया इंजेक्शन भी लगा लो, तो ये आपको आप सेफ रहेंगे। ये तो बेलू का टेंडर बोल सकते है, मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मेरे को बहुत सारे डॉक्टर ने चर्चा किया, तो चर्चा में ये बात आया, तो इसी के लिए मैं आप लोगों को कहने चाहूंगी कि वोट आ रहा है, फिर इसको वोट है, उसका पहले बारिश हो सकता है, बारिश का संभावना जरूर है। हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है, चाइना से जैसा कोरोना आया, चाइना में वैसा अभी जो चाप सृष्टि हो रहा है, जो बारिश के लिए चाइना से आ रहा है, चाइना का समुद्र में 12 ग्रह है, तो वो अगर आएगा तो 2-3 दिन इधर में बारिश ज्यादा होगा। बारिश में देखिए आसमान तो हमारा हाथ में नहीं है, हम प्यार कर सकते हैं कि अल्लाह आसमान ईश्वर अल्लाह जो भी हो गॉड, आप लोग इतना बारिश मत दो जिसमें फ्लड हो जाए और लोगों का मौत हो, ये हम कभी नहीं चाहती हूँ। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, बहुत सारे बारिश हो रहा है, लास्ट 4 मंथ इतना बारिश हुआ है कि आपको हम क्या बोले, गंगा भी भर्ती हो गया है, पानी निकालने के लिए गंगा में एक किनारा भी खाली नहीं है, ऐसा परिस्थिति है। लेकिन तब तक भी आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बताने चाहूंगी कि 3.5 लाख कुकुर भी हम काटा, इसी के लिए कार्तिक यार कि उधर में पानी भर के रख सकते है। हम 500 करोड़ रुपया का चेक डैम भी बनाया, जैसे कैनल क्लियर करके हम पानी में पानी रख सकते है। लेकिन अभी जो बारिश होता है बहुत सारे जल जम जाता है जल्दी जल्दी। कैलकाटा का प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? कैलकाटा एक बोट, हम जिसको बोट कहते हैं इंग्लिश में, नौका, हिंदी में क्या बोलते हैं? नाव बोलता है, नाव बोलता है, तो नाव का माफिक है, इसी के लिए जब पानी होता है ना नाव का माफिक कैलकाटा में हो जाता है। और एक चीज है, देखो बिहार में पानी होता तो पानी हमारा मालदा से वो चला आता है बंगाल में, अगर भूटान में पानी होता है तो भूटान से चला आता है नॉर्थ बंगाल में संकोच नदी से, अगर हमारा झारखंड में बारिश होता है तो बीबीसी से पानी छोड़ देता है वो चला आता है हमारा बंगाल में, बांकुड़ा बीरभूम बर्धमान सब जगह में हावड़ा होती फ्लड हो जाता है। ये हमारा जियोग्राफिकल एक प्रॉब्लम है। और बांग्ला को हमारा बांग्ला में बड़ी नदी मातृक देश, বাংলাদেশে অনেক নদী আছে, আবার পশ্চিমবঙ্গ মনে রাখবেন অনেক নদী আছে, নদী পুকুর ব্রিজ বেশি কেন জানেন? এটা নদী মাতৃকা দেশ, এটা হচ্ছে জল ম্যাক্সিমাম জল এই বাংলাদেশে হয়, সেই জন্য পশ্চিম বাংলায় হয়, ফলে আমাদের প্রবলেম হয়। আবার কই বারিশ ভি হোক, বারিশ মে আপনার সাবধান মে রাখেন, জরুর আপনার আমি সিএসসি কেও বলবো, কলকাতা কর্পোরেশন সিএসসি सब लोग का साथ आज चीफ सेक्रेटरी का मीटिंग भी बंदोबस्त कर दिया है, जैसे अगर ज्यादा बारिश होगा तो क्या क्या काम हम कर सकते हैं, वो तो हम करते हैं, चाहे फोनी हो चाहे बुलबुल हो चाहे अम्पान हो, ऐसा बड़ा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी जो होता है, अभी तो ज्यादा इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है, पहले ऐसा नहीं था कि नेचर इतना भारनामल हो गया है एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए, एक चीज हुआ है खाली बंगाल में नहीं हर जगह में होता है, लेकिन हमारा इधर में बारिश थोड़ा ज्यादा होता है। अगर बारिश हो तो ऑफ कोर्स यू टेक योर केयर, बट प्लीज टेक केयर ऑफ डेमोक्रेसी आल्सो, आई नीड योर ब्लेसिंग्स, आई नीड योर सपोर्ट, एंड अगर आने वाला दिन अगर बंगाल को संभाल के रखना है तो आपका एक वोट हमारा लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, एक वोट नहीं होता है। बंगाल में 3 क्षेत्रों में हो रहा है, पहले चुनाव का टाइम में 2 क्षेत्रों में वोट स्टॉप हो गया था, मुर्शिदाबाद में एक शमशेरगंज और एक जंगीपुर में, और तीसरा वोट हो रहा है भवानीपुर में, और 4 बाकी है जो हमारा गोसाबा का
कैंडिडेट को मौत हो गया है, हमारा खड़दा कैंडिडेट को मौत हो गया था कभी पे, और हमारा दिनाटा अशांतिपुर में बीजेपी का कैंडिडेट ने छोड़ दिया, इसीलिए चार सीट अभी भी बाकी है। स्वतंत्र अभी आने वाला दिन खड़गा में लड़ेंगे, लेकिन वो सब वोट जब होंगे हम लोग सब काम करेंगे, हम लोग मदद करेंगे। मैं आप लोगों को कहने चाहूंगी और देश का जो परिस्थिति है ठीक नहीं है। देखिए मैं इंडिविजुअली जिला से के लिए हम किसी का ऊपर बात किसी का ऊपर कोई खतरा नहीं डाल सकती हूँ कि हमारा इधर में बहुत सारे इम्पोर्टेंट जानकारी लोग है, बहुत सारे जेंटलमैन जेंटलवुमेन ब्रदर एंड सिस्टर्स है, बहुत सारे धर्मगुरु है। हम ऐसा बात नहीं कहेंगे जिसमें किसी को खराब लग सकता है, अच्छा नहीं लग सकता है। मैं तो वही बात कहेंगे जो बात कहने के लिए हम काबिल हूँ, जो बात कहने के लिए हम काबिल नहीं हूँ वो बात हम नहीं कहेंगे। आज देखिए एक दुख का बात है, रोम में एक पीस रैली था, पीस मीटिंग ब्रदरहुड फॉर फ्यूचर, और एक मीटिंग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हमको इनवाइट किया था। वो मीटिंग में किसका किसका अटेंड करता है, मैंने देखा जर्मन का चांसलर है, इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, और होलीनेस मिस्टर पोप है, और इजिप्ट का इमाम है, और एशिया से मेरे को बुला गया एक पांच। हम लोग जाने के लिए सब कुछ कर दिया था, इवन इटाली में इंडिया इज नॉट अलाउड नाउ टू एंटर इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका बिकॉज ऑफ कोविड, बट दे गिव मी द स्पेशल परमिशन अलोंग विद माय डेलीगेशन टू एंटर इटली टू एंटर रोम वाटिकन फॉर दिस पर्पस। लेकिन दुख का बात क्या है, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर होता है जो सेंट्रल से परमिशन नहीं लेता है, लेकिन हम लेता है इसी के लिए कि हम देश का फॉरेन पॉलिसी का बारे में कभी हम देश का खिलाफ में नहीं कहती हूँ, ये चर्चा हम कभी नहीं करती हूँ, ये हमारा पार्टी का एक परंपरा है। तो हम लोगों ने हम तो परमिशन मांगता ही है सेंट्रल से, एक्सटर्नल अफेयर्स से यूएन आल्सो देयर यू नो द थिंग्स। सो मैंने बोला कि हमारा ये इन्विटेशन आया, हम ये दिन जा नहीं जाता है, एक पीस प्रोग्राम के प्रोग्राम है विश्व शांति के लिए, आप लोगों ने क्लियरेंस दे दीजिए। तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट कह दिया द परमिशन इज डिनाइड फॉर पॉलिटिकल क्लियरेंस इज डिनाइड टू अटेंड दिस प्रोग्राम, बोल दिया, और बोल दिया कि वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिट टू अटेंड दिस प्रोग्राम। मेरे को लगा ये अरे हमारे देश के लिए कोई ना कोई तो रिप्रेजेंट करते थे, हम तो देश के लिए जाते थे, हमारा बाहर में जाने से इतना इंटरेस्ट नहीं है, हम बंगाल में छोड़ के किसी जाता ही नहीं है, मौका मिलने का बहुत ही नहीं जाता, हम तो हर रोज जा सकते हैं लेकिन जाते नहीं है, कोई कोई तो साल भर 365 दिन में 391 दिन भी जाते, लेकिन मैं जरूर कई होने से नहीं करता। आज देखिए इसमें क्या बात हुआ, अगर एक पॉलिटिकल ब्रदरहुड के लिए रिलीजियस ब्रदरहुड के लिए हर धर्म का गुंडा में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन हम बीजेपी के टक्कर में टक्कर लगा के कहती हूँ, नहीं तो हम नहीं कहना चाहते थे, उधर में मुस्लिम रहेगा इजिप्ट का इमाम, उधर में मिस्टर पोप रहेगा हमारा होलीनेस क्रिश्चियन, इटालियन प्राइम मिनिस्टर रहेगा, जर्मन चांसलर रहेगा, हिंदू हम सा हम मानो चाहे ना मानो हमको पदों भी टाइप जो है हिंदू ही है, तो हिंदू हम थे तुम लोग ने माना करके, तुम लोग बंगाल में आके बोलते हैं कि ममता जी ने दुर्गा पूजा नहीं करने देता है, तो रोम पे आप क्यों रुका क्यों रुका? मैं तो रोम पे पहले भी गया, मदर टेरेसा का जब सेंट रूप दिया था वाटिकन में, हमको इन्विटेशन था मैंने गया था, तो क्यों रुका? ये ठीक नहीं है, अगर हम तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते थे, हम तो इंडिया के लिए पीस का बात कह सकते थे, हम तो गांधी जी का बात कर सकते थे, हम तो नेहरू जी का बात कर सकते थे, हम तो नेताजी का बात कर सकते थे, हम तो पटेल जी का बात कर सकते थे, हम तो जॉइंट का बात कर सकते थे, हम तो इस्कॉन
pleasing, then why do you stop me? Can you stop me for everywhere? You cannot stop me everywhere. भवानी पुत्र शुरू होते हैं, भवानी पुराना शुरू होते हैं, तो भवानी पुत्र से सारा भारत जाता है। कांग्रेस तो डर गया, आपको सब कभी-कभी मैनेज करके रहते हैं, but बीजेपी यू कैन नॉट मैनेज ममता बनर्जी, and that's why you want to damage me. You want to damage me. बंगाल में क्या हुआ बोलिए तो आप लोग सब एक साथ में रह जाए कोई इंसिडेंट को भी देखा ह्यूमन राइट्स को भेज दिया झूठा बोल के हमारा बात सुनो नहीं बंगाल में तो कुछ होता ही नहीं है आप यूपी में देखो एक लोग जाता जाने नहीं सकता है आप यूपी में देखो बीजेपी राज है कोविड में मर गया तो उसको नंबर छुपाने के लिए गंगा में डेड बॉडी भाषण फेंक दिया और डेड बॉडी भाजते भाजते बेचारा उसका लास्ट क्रीमेशन भी नहीं किया भासते भासते डेड बॉडी जब बिहार से होके बंगाल में मालदा में घुसा हम उसका डेड बॉडी एक एक करके तुला मेरे को पता नहीं है कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है कौन सिख है कौन ईसाई है पूरा रेस्पेक्ट से डेड बॉडी खुल के उसको लिए क्रीमेशन किया है समाधि किया है अंतिम संस्कार किया है लेकिन आप लोगों ने डेड बॉडी फेंक दिया है उसको लास्ट राइट्स भी उसको मेंबर को फैमिली मेंबर को देखने नहीं देता है और बंगाल का सब कंपेयर करते हैं असम में आप देखो हिंदू और मुस्लिम कोई चीख का से कौन जोन कांडरी वालों डूबी चे मानुष संतान बोल मार एक आदमी को आप एविक्शन का बारे में फायरिंग किया फायरिंग करने का बाद डांस कर रहा है डेड बॉडी का ऊपर में शर्म का बात है बीजेपी का स्टेट है किसी के लिए ऐसा चल रहा है क्या दिखा रहा है कि डेड बॉडी तुम्हारा इतना सुविस्ता होता है कि डेड बॉडी का कोई हमारा एनिमी भी होता है तो डेड बॉडी को हम सम्मान देता है डेड बॉडी को सब कभी हम ऐसा बिहेव नहीं करता है जो लोग डेड बॉडी का ऊपर में डांस करता है वो क्या मानवीय है उसका पास ह्यूमैनिज्म का कोई शब्द है कहा गया ह्यूमन राइट्स कमीशन अभी छुपा रुस्तम होके बैठे हैं हम कहने से हमारे ऊपर में क्या केस करोगे नेरेस करोगे जब आसाम में होता है आपका आखिर आंखों अब नहीं खुलता है जब त्रिपुरा में हमारा पार्टी मीटिंग करने जाता है आप सबको पीटता है सबको खिलाफ में केस देता है गाड़ी तोड़ देता है क्यों 144 कर देता है तो दुर्गा पूजा कैसा होगा अगर 4 नवंबर तक 144 है तो माँ दुर्गा का साथ में भी चार बेटा बेटी आता है माँ दुर्गा खुद आते हैं तो उसका साथ चार बेटा बेटी आते हैं लौकी सरस्वती तो 144 में तो 4+ अब तो कुछ नहीं है तो गणेश का मयूर इंदूर कहा जाएगा कार्तिक का मयूर कहा जाएगा और असुर कहा जाएगा किसको विनाश करेगा दुर्गा पूजा भी नहीं होगा 4 तारीख तो काली पूजा है कैलेंडर देखा दिवाली है काली पूजा है तो कैसे होगा सब बंद बीजेपी रूल में और इधर में बड़ा बड़ा बात करते हैं इधर में 1.5 लाख का करीब दुर्गा पूजा होता है प्लांट बाड़ी में भी बहुत सारी दुर्गा पूजा होता है और गांव गांव में दिवाली मनाते हैं जब गुरु नानक का जन्मदिन होता है हम लोग सब जाता है लेके हम लोग आके आते हैं छठ पूजा होता है तो मैं गंगा माई का पूजा में जाते नहीं है क्या बिहारी भाई बोल यूपी का भाई बोल आप बोलो कहो दो दिन छुट्टी दिया छठ पूजा के लिए बंगाल गांव में दो दिन छुट्टी दिया और हम जब गंगा माई की पूजा करते जाता है हम भी धरती में जाते हैं सुलोक देवता को बोलने के लिए कि ओम नमो जवाब कुशुम शंकर शंकर शोप्यांग महादुतिम धन तोरी विशाल वो पापो घर पुरो को होती जंतुआ करो हम भी लिट्टी खाते हैं हम भी ठेकुआ खाते हैं हम भी ढोकला खाते हैं हम भी थाली खाते हैं हम भी चपाती खाते हैं हम भी चावल खाते हैं हम भी घी खाते हैं और गरम के लिए हम खाते हैं चाहे ढोकला हो चाहे आपका तंदूरी हो चाहे लिट्टी हो चाहे चपाती हो चाहे चपाती हो चाहे डाउल हो चाहे मांस मछली हो चाहे मीट हो हर तरह जैसे हलवा हो
हमको बहुत पसंद है, हमको मांग के खाता है, मांग के लेता है, जो चीज मेरा पसंद है। और आप लोग खाली डिवाइड करते हैं, बड़ा बड़ा बात करते हैं, असम में ह्यूमन राइट्स नहीं जाएगा, त्रिपुरा में नहीं जाएगा, उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगा, दिल्ली में इतना दंगा हुआ, इतना लोगों को मौत हुआ एनआरसी लेके, किसी को पता ही नहीं है कितना आदमी को मौत हुआ, कोई पता नहीं है। ऐसे ही चलते हैं हम, ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा जिंदगी अगर कुर्बानी देने के लिए तैयार है सबके लिए, तो हम वो भी तैयार है, लेकिन आम जनता के ऊपर कोई अत्याचार करने के लिए हम तैयार नहीं है। हम खुद का राजनीति नहीं करते, हम शांति का राजनीति करते हैं। चाहे आप वोट मेरे को दो और ना दो, ये आपका अपना का बात है, लेकिन हक कभी नहीं किया। नहीं तो मेरे को पता है कौन क्यों आपको वोट देना है, कौन नहीं देना, पता नहीं है, जरूर है, लेकिन तब भी आज तक आप कभी नहीं कह सकता है कि किसी को हमने कभी बोला कि आप क्यों मेरे को वोट नहीं दिया। आप किसको देंगे, किसको नहीं देंगे, लेकिन आउटसाइडर्स आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस एंड दे आर फोर्सिंग द पीपल टू वोट फॉर देयर वॉइस। आज गैस का काम करना हुआ, गैस गैस मिनिस्टर रख के गैस बिलिंग को माफी बात करते हैं, बीजेपी को वोट दो, क्यों देगा बिना पैसा में गैस दो। अगर हम बंगाल में बिना पैसा में चावल दे सकता है, तो आप क्यों गैस नहीं दे सकते। आज पेट्रोल का भाव कितना हुआ, डीजल का भाव कितना हुआ, अगर पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ते हैं तो किचन का भाव बढ़ते हैं, सब चीज का भाव बढ़ते हैं। आज दो साल से देश में कोई इनकम नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं बना, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। ओनली बेंगाल आई कैन चैलेंज एंड आई एम प्राउड टू से 40% अनएम्प्लॉयमेंट वी हैव डिक्रीज, ओनली स्टेट बेंगाल एंड इंडिया इट इज इंक्रीज 40%। हमारा भाई बहन जो रास्ता में जाता है, बहन बहन को रक्षा करते हैं, भाई बहन की रक्षा करते हैं, ये हमारा परंपरा है। हम कोई अन्याय नहीं किसी को करने देंगे, ये हमारा कल्चर है। चाहे रविंद्रनाथ हो, चाहे नेहरू हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेताजी हो, इसी के लिए तो, इसी के लिए गांधी जी जब देश में आजादी का फ्रीडम एट मिडनाइट सेंट्रल हॉल में हो रहा था दिल्ली में, गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, गांधी जी बेलिया घाटा में गांधी भवन में थे। उन्होंने दंगा रुकने के लिए, पीस के लिए अपील कर रहा था कि पीस शांति दो, शांति दो, शांति दो, दंगा फसाद बंद कर दो। इसी के लिए गांधी जी, गांधी जी हमारा भी लीडर है, सबका लीडर है, सबसे बड़ा लीडर है। जो
पीएम किया सब देखा, लाख लाख करोड़ रुपया लोगों ने दिया, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो चाहे इंडस्ट्री हो, सब सीएसआर का रुपया दे दिया, पूरा देश दिया। अभी बोलता है ये गवर्नमेंट का फंड नहीं है तो प्राइवेट फंड को ऑडिट क्यों नहीं होगा, बोलता है ऑडिट भी नहीं होगा। तो इससे ज्यादा डिक्टेटरशिप क्या है, इससे बड़ा स्कैंडल क्या है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। हमारा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को भी ऑडिट होता है तो आपको क्यों नहीं होगा, एक भी आदमी सीएसआर फंड चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में नहीं दे सकता है, क्यों? घर में बोल दिया चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड मांग दो, सब पीएम केयर्स में दो, पीएम केयर्स में दो, पीएम केयर्स कहां गया? Now we care. অশোক স্তম্ভ লাগিয়ে পিএম কেয়ার এর নামে টাকা তুলেছে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা, সেই টাকা কোথায় গেল? এবং বেআইনি ভাবে অন্যায় ভাবে টু মিসইউজ দা এথিক্স দা কনস্টিটিউশনাল প্রভিশন দা ল এভরিথিং মিসইউজ এন্ড টেকিং দা মানি ওয়ান সাইডেড লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা। আর দেশের এই অবস্থা, একটা বিজনেসম্যান ভয় কথা বলতে পারে না, আমিও তো ভয় বলি। যখন নোটবন্দি হলো আমি দুদিন বড় বাজার গেছিলাম, কেন গেছিলাম? আমি দেখতে গেছিলাম ইনকাম ট্যাক্স কিরকম ভাবে বড় বাজারে ব্যাপারীদের রেট করছে। আমি 4-5 দিন পর পর গেছি যাতে রেট করতে না পারে, একেতে পয়সা নেই তার উপরে রেট, ইনকাম ট্যাক্স রেট, ইডি রেট, সিবিআই রেট, বিজেপির যদি চোর হয় তাকে সোনা খাওয়াবে, সোনার লাড্ডু দেবে। আর অন্য লোক যদি বিজেপির সমর্থক না হয় তাকে ইডি দেখাবে, তাকে সিবিআই দেখাবে। আমাদের প্রত্যেকটা স্কুলের বন্ধুদের পর্যন্ত সিবিআই দিয়ে দিয়েছে, স্কুল ফ্রেন্ডস, এমন অবস্থা। আরে তুমি দাও যেতনা ভি তোমার মর্জি তুমি দিয়ে দাও, লেকিন লাস্ট মে দেখো, লাস্ট মে দেখো তোমার ঝড়ি মে এক ভি লাড্ডু নেই রয়েগা, লাড্ডু লেকে देश तुम लोगों को माफी नहीं करेगा। तुम जनता को कहते हैं कुछ, बोलते हैं कुछ, और जब भी टाइम आते हैं आप खाली युद्धों का बात करते हैं, कौन टेस्ट को नहीं किया करते हैं। हम लोग अगर बोलते हैं कुछ तो बोलते हैं टेररिस्ट, सब हम टेररिस्ट हो गया, आप अकेला ही नेशनलिस्ट हो गया, क्या जगत है मेरे को पता नहीं है। हम तो एक वादा किया है, ये बीजेपी लोग पूरा हिंदुस्तान को तालीबाड़ी बनाने चाहते हैं, हम लोग तालीबानी हिंदुस्तान को बनाने नहीं देंगे, चाहे यूपी हो, चाहे जो भी हो, क्यों हम बनाने देंगे? ये लोक जनता का राज है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का बात ही सीधा बात होता है, सच्चाई बात होता है। फिर मैं आप लोगों को कहेंगे कि आप लोग वोट का दिन जरूर एक मास्क पहन के जाइए, एक एक वोट मैं हमको लिए, हमारा लिए मांगती हूँ इसी के लिए कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चलाना है तो हमको जीतना है। आप लोग को प्यार आशीर्वाद शुभकामना दुआ है तो आप लोग मेहरबानी करके हमारा एक मशीन में एक नंबर में हमारा वोट रहेगा। आप एक नंबर में वोट देके भारतवर्ष में तृणमूल कांग्रेस को एक नंबर बना दीजिए, हम लोग लड़के लेंगे, हम लोग लड़के लेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट from industry to unemployed youth. I can assure the industry to cadres. I can ensure, I can assure the women, my mother, my children, brother, all, that Tirumal Congress will work for the people. They will always abide by the people. And they are the asset of the people. And we will fight for the people. That is our motto, that is our vision, that is our mission, that is our action, and that's why it is my reaction. আমি আপনাদের বলছি তাই, যদি বৃষ্টিও হয় ছুটি কা দিন ডিক্লেয়ার কিয়া হ্যায়, লেবার কে লিয়ে ভি ছুটি কা দিন ডিক্লেয়ার কিয়া হ্যায়, প্রাইভেট কে লিয়ে, গভর্নমেন্ট কে লিয়ে ভি, এক এক ভোট আপ দেও জরুর, মেহরবানি করকে হামারা বাত শুনকে ফির হাম আয়েঙ্গে, মা কালিকা পূজা করেঙ্গে, দিওয়ালি মানাঙ্গে, কি হামেশা আপনি আয়েঙ্গে। बोले सोनिया, जय बांग्ला, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।
कोई गड़बड़ करने का कोशिश करे तो आप लोग माथा गरम मत करो, आप लोग भी कूल 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 रह के कूल कूल तृणमूल आप जो धर्म गुरु हमारे पास आई हुए है आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामना देने के लिए, हम सबको जो सिविक सोसाइटी का जो बड़ा बड़ा इंसान आई हुए है, हम सबको हमारा तरफ से बहुत बहुत प्रणाम सलाम सत श्री अकाल जी नमस्कार नमस्ते সম্মান জানাবো ন্যাশনাল অ্যান্থেম।